हम जहां भी देखते हैं हमें ऐसे मॉन्यूमेंट्स नजर आते हैं जिनके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को भी कोई जानकारी नहीं है। ऐसा लगता है कि हर संस्कृति में आसमान से आने वाले लोगों की बात कही गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दीवार के पार जाने पर हमें सचमुच का एक खजाना मिल जाए? हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी और आज जो डेवलप हो रही है, उनके मद्देनजर आर्कियोलॉजी को भी आखिरकार अब ये मान लेना चाहिए कि अतीत में पृथ्वी पर परग्रही आते रहे हैं। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही हम इंसान अपनी रचना का श्रेय ईश्वर और सितारों से आने वाले दूसरे जीवों को देते रहे हैं। अगर उनकी बात सच हुई तो क्या उन परग्रहियों ने सचमुच हमारे इतिहास को गढ़ा था? और अगर ऐसा था तो क्या नए सबूत हमेशा के लिए इस बात को साबित कर देंगे कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं? वो कौन थे? वो कहां से आए थे? वो अपने पीछे क्या छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो लौट कर आएंगे? साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज पेश करता है द न्यू एविडेंस। जब से मानव सभ्यता का इतिहास लिखा गया है तभी से आर्कियोलॉजिस्ट नई नई संरचनाएं ढूंढ रहे हैं। ऐसी संरचनाएं जिनके ऊपर लिखे और खुदे लेखों ने हमारे अतीत के बारे में हमारी सोच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हजारों साल पुराने खंडहरों में जो इंजीनियरिंग नजर आती है वो आज की हमारी इंजीनियरिंग से कहीं बढ़कर है। प्राचीन पत्थरों पर बनी आकृतियां अंतरिक्ष यात्रियों से मिलती जुलती हैं और रहस्यमय मोनोलिथ करीब करीब हर महाद्वीप में सितारों की बिल्कुल सीध में खड़े नजर आते हैं। 1968 में लिखी अपनी किताब चैरियट्स ऑफ द गॉड्स में एरिक वॉन डेनिकन ने ये कहा था कि ये सबूत एक अटल सत्य की तरफ इशारा करते हैं। वो ये कि हमारे अतीत में पृथ्वी पर परग्रही आए और उन्होंने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। इस विचार को एंशियंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी कहते हैं और आज इसे दुनिया भर में लाखों लोग सही मानते हैं। इस कमरे में बैठा हर शख्स यही पूछना चाहता है कि क्या आपने एंशियंट एलियंस देखा है और उस प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है। किंग टट की कब्र शायद सबसे रहस्यमय है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक लेख में दावा किया गया है कि उन्होंने प्लूटो के पार नौवां ग्रह ढूंढ लिया है। एंशियंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि पृथ्वी पर दूसरे ग्रहों से आने वाले जीवों के सबूत हमारे आसपास बिखरे पड़े हैं और हम आज की टेक्नोलॉजी के सहारे पहले से कहीं ज्यादा पुख्ता सबूत ढूंढने में लगे हैं। मंगल ग्रह पर तरल पानी मिला। नेसा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने सौर मंडल के पार के ग्रहों की पुष्टि की है। ग्लीस 581 ये अभी तक का खोजा गया एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है जो काफी हद तक पृथ्वी जैसा है। पिछले कुछ सालों में ग्रेट पिरामिड में कई अलग अलग शाफ्ट्स की खोज हुई है और ऐसा मुमकिन हो पाया है हमारी आज की टेक्नोलॉजी की बदौलत। यही सब कुछ हबल टेलीस्कोप की बदौलत एस्ट्रोनॉमी में हो रहा है। हमने अभी तक 2500 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स ढूंढ लिए हैं। इसका मतलब वो ग्रह जो हमारे सौर मंडल से बाहर के हैं। ये सब कनेक्टेड हैं। हमें अब इन चीजों को एक दूसरे से जोड़ना चाहिए। आज हमारे आर्कियोलॉजिस्ट्स जिन नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, सैटेलाइट इमेजेस और फिर गूगल अर्थ वगैरह है, जिनसे आर्कियोलॉजिस्ट्स को काफी फायदा मिल रहा है और अब उन्हें वो चीजें मिलने लगी हैं जिनका पहले वजूद ही नहीं था। सच कहें तो विज्ञान एक विश्वास है जो कई सबूतों पर आधारित है, लेकिन जब हमें नए सबूत मिलते हैं तो सही वैज्ञानिक तहकीकात यही है कि हम उन सबूतों को उस मॉडल में शामिल करें जो हम बना रहे हैं। अगर हम हाल ही में हुई खोजों को देखें तो साफ नजर आता है कि वो एंशियंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी के क्षेत्र में आज तक की सबसे बड़ी खोज है। विल्शर इंग्लैंड, यहां मौजूद है पृथ्वी पर बनी
पत्थर की सबसे रहस्यमयी संरचना स्टोनहेंज सदियों से इसने आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर रखा था, मगर सितंबर 2015 में यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर एक नई खोज हुई, जिससे इस अनसुलझी पहेली की एक बड़ी अहम कड़ी मिल गई। ग्रेट ब्रिटेन के डोरिंगटन वॉल्स, सबसे बड़ी प्राचीन हेंज संरचना या जमीन पर बनी एक गोल आकृति है, जहां आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से एक बड़ी चौंकाने वाली खोज की। उन्हें वहां करीब 100 खड़े मोनोलिथिक पत्थर मिले। हाल ही में स्टोनहेंज से करीब 3 किलोमीटर दूर एक तरह का सुपर हेंज मिला है, जो बड़ा ही रहस्यमय है, क्योंकि वहां काम करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक वो और पुराना है। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो स्टोनहेंज से पुराना है तो उसे वहां बनाने का मकसद क्या था और उसे क्यों बनाया गया था। अभी हम जहां हैं, ये डरिंटन वॉल्स का दक्षिणी हिस्सा है, सुपर हेंज का दक्षिणी छोर। यहाँ मेरे पैर के नीचे कम से कम एक और इस जगह पर करीब 90 बड़े पत्थर हैं। ये पत्थर जो करीब 15 फुट ऊंचे हैं और उनमें से हर एक का वजन 10 से 15 टन है, और ये उस विशाल आर्क का हिस्सा थे जिसका रुख उत्तर के आसमान की तरफ था। वो डरिंटन वॉल से भी पहले बने एक रहस्यमय मॉन्यूमेंट का हिस्सा थे, जबकि डरिंटन वॉल्स ही करीब 2500 बीसी में बनाई गई थी, मतलब वो उससे सैकड़ों या शायद हजारों साल पुराने हो सकते हैं। मगर वो यहाँ किस लिए हैं? ये एक बड़ा रहस्य है। इन पत्थरों को यहाँ जानबूझकर गाड़ा गया था, और ये कैसे रिचुअल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा लगते हैं, जो सिर्फ इस साइट तक ही सीमित नहीं था बल्कि उस पूरे मैदान का हिस्सा थे जहाँ ये मिले हैं। इन पत्थरों ने उस साइट को एक तरफ से घेर रखा था और बाद में उन्हें एक टीले के नीचे दफन कर दिया गया, जो बड़ी रहस्यमयी बात है। अभी तक सुपरहेंज के जो पत्थर मिले हैं वो एक आग का हिस्सा थे, और बहुत से रिसर्चर्स मानते हैं कि शुरू में ये एक पूरा गोला था, उस प्राचीन संरचना की ही तरह जो यहाँ से 270 मीटर दूर दक्षिण में है, वुडहेंज। ये है वुडहेंज। ये एक छोटा मॉन्यूमेंट था जिसमें लकड़ी के खंभों के 6 कंसेंट्रिक रिंग्स थे, और करीब 4000 साल पहले उनका रुख आसमान की तरफ था। ये मॉन्यूमेंट भी उसी तरह से गोलाकार था जैसे कि स्टोनहेंज, और इससे हमें ये पता लगता है कि डरिंटन के छोर पर लगे 90 पत्थर अपने आप में एक बहुत बड़ा गोला थे। पत्थरों से बना इतना बड़ा रिंग यूरोप में तो नहीं है, शायद दुनिया में भी कहीं नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि हाल में खोजा गया सुपरहेंज यहाँ से पृथ्वी के नीचे से निकाली गई इकलौती चीज नहीं थी। जुलाई 2010 से ही एक्सपर्ट्स की एक इंटरनेशनल टीम स्टोनहेंज हिडन लैंडस्केप प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, और बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी की मदद से इस पूरे इलाके का नक्शा बना रही है। अभी तक उसे जमीन के नीचे मौजूद करीब 15 साइट्स मिल चुकी हैं। स्टोनहेंज के आसपास का इलाका आर्कियोलॉजी के लिहाज से बड़ा ही समृद्ध है। स्टोनहेंज की बजाय सैलिसबरी प्लेन में मौजूद इस मॉन्यूमेंट से हमें इस बात का पता चला कि ये एक बहुत बड़े और पवित्र लैंडस्केप का एक हिस्सा था, जो कभी सैलिसबरी प्लेन पर मौजूद था और जो एवॉन नदी तक गया। इसमें कोई शक नहीं कि नई खोजों के बारे में इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट को अब स्टोनहेंज के बारे में बिल्कुल नए सिरे से सोचना पड़ेगा। अब स्टोनहेंज के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो इकलौता है, यह उत्सुकता पैदा करने वाला रह गया है। हालांकि मेनस्ट्रीम के वैज्ञानिक मानते हैं कि स्टोनहेंज और उसके आसपास का इलाका रिचुअल्स और दफन करने की एक प्राचीन जगह थी, मगर इस बात का कोई लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं है कि उस जमाने के लोगों ने आखिर 50 टन के पत्थरों को यहां लाकर क्यों खड़ा किया, जबकि उनमें से कई तो 150 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से लाए गए थे। अब जबकि एक दूसरा स्टोनहेंज भी मिल गया है, तो इस बात पर भी सवाल उठने लगे हैं कि ये जगह क्या लाशों को दफन करने की जगह थी। उस जमाने के लोगों को इस बात की पूरी जानकारी थी कि उन संरचनाओं को किस तरह से एक दूसरे की सीध में रखना है। ऐसे में तो यही लगता है कि वो एक बड़ी उन्नत सभ्यता थी, उनके पास वो ज्ञान कहाँ से आया?
उन्हें वो जानकारी कैसे मिली और किस तरह से उन्हें ऐसे अनोखे ऑर्नमेंट्स बनाने की काबिलियत मिली, ये बात अपने आप में चौंका देने वाली है। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि स्टोनहेंज के खड़े पत्थरों के दो रिंग्स असल में एक बहुत बड़ी संरचना का हिस्सा थे और उसकी एक बड़ी वजह है उसके आसपास अर्दनहेंज की मौजूदगी। इससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि सुपरहेंज के भी कई और रिंग्स थे और इन संरचनाओं में शायद दीवारें और छत भी थी। अगर ये बात सही है तो क्या इंग्लैंड का ये इलाका सिर्फ धार्मिक समारोहों की जगह से बढ़कर था? जब हम पृथ्वी पर बनी इन अनोखी संरचनाओं को देखते हैं तो मन में सवाल उठता है कि क्या इन विशाल संरचनाओं को बनाने में दूसरे ग्रह से आए जीवों का हाथ था या उन्होंने इंसानों को ये सब बनाने की कला सिखाई थी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि दुनिया भर में मौजूद पत्थर के इन बड़े बड़े घेरों का मकसद क्या था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक तरह के स्पेस पोर्ट या कंसीव शहर थे? क्या ये हो सकता है कि स्टोनहेंज और उसके आसपास की दूसरी संरचनाएं एक परग्रही स्पेसपोर्ट के अवशेष हों? एंशियंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि हाँ ऐसा ही था और उनका कहना है कि इससे जुड़े और सबूत हमें किंग टट की कब्र में छिपे डीएनए से मिल सकते हैं। क्या उस कब्र में दूसरे ग्रहों की चीजें और खजाना छुपा है? ये भी तो हो सकता है कि हमें इस बात के पुख्ता सबूत मिल जाएं कि हमारे अतीत में पृथ्वी पर दूसरे ग्रहों के लोग आते थे। शायद इस पहेली की कुछ और कड़ियां हमें एक उड़ने वाले सर्प देवता के मंदिर से मिल जाएं। लक्सौर मिस्र, यहीं पर है दुनिया के सबसे मशहूर फैरो किंग टूटनखामन की कब्र। सन 1922 में जब इसकी खोज हुई थी तब ये बिल्कुल सही सलामत थी और 3000 साल से ज्यादा समय तक प्रिजर्व्ड रही। इस कब्र को आज तक की एक सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल खोज माना जाता है। भले ही ये खोज बेहद शानदार थी मगर आज करीब 100 साल बाद कुछ ऐसे नए सबूत मिले हैं जिनसे लग रहा है कि किंग टट के कब्र में हम जो देख पा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा छिपा है। 28 सितंबर 2015 को उस कब्र के हाई रेजोल्यूशन स्कैन्स को देखते समय ब्रिटिश इजिप्टोलॉजिस्ट निकोलस रिवीज को एक बड़ी ही अनोखी चीज नजर आई। लग रहा था कि किंग टट की कब्र में दो छिपे हुए गलियारे हैं जो उस कब्र से जुड़े हैं। ट्यूटनखामन की कब्र की नकल बनाने के लिए एक स्पेनिश कंपनी को उसे स्कैन करने का काम सौंपा गया और इसी हाई डेफिनेशन फोटोग्राफी स्कैनिंग की बदौलत रीव्स ने देखा कि कब्र के उत्तरी दीवार पर कुछ दरारें हैं जिससे लग रहा था कि वहां एक दरवाजा हो सकता है। ऐसा ही उसकी पूर्वी दीवार पर भी नजर आया, मतलब वहां दो कब्रें हो सकती थी। रीव्स ने वो लेजर इमेजेस मिस्र के मिनिस्टर ऑफ एंटीक्विटीज डॉक्टर ममदो अल्टमाटी को दिखाए और दोनों ने आगे खुदाई करने का फैसला लिया। उन्होंने थर्मल स्कैनिंग का इस्तेमाल किया जिससे पता लग जाता है कि दीवार की कहां कितनी डेंसिटी है। उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि शायद किंग टट की कब्र के पीछे एक और गलियारा या फिर एक और कब्र है। उन रंगी हुई दीवारों के पीछे और खजाना है कि नहीं अभी इसका पता नहीं लगा, लेकिन अगर ऐसा है तो उसके लिए रीव्स ने एक थ्योरी दी है। उनका कहना है कि वो गलियारा शायद क्वीन नेफर्टिटी की कब्र तक जाता है जो 14th century BC में मिस्र पर राज करने वाले फेरो आखनाटन की बीवी थी। रीव्स का अंदाजा है कि टूटनखामन को विरासत में नेफर्टिटी की कब्र मिली थी। उसकी वजह है टूटनखामन की बड़ी अनोखी कब्र जो दूसरे फैरोस की कब्रों के मुकाबले काफी छोटी है। 18 डायनेस्टी के सभी महान राजाओं की कब्रें काफी बड़ी थी जिनमें स्टोर रूम्स और चैम्बर्स वगैरह बने थे, लेकिन टूटनखामन की कब्र बाकी सबके मुकाबले बहुत छोटी थी। मगर सवाल ये है कि नेफर्टिटी की कब्र किंग टट की कब्र के पीछे क्यों छुपी थी? एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह शायद ये थी कि क्वीन नेफर्टिटी इस दुनिया की नहीं थी। नेफर्टिटी के माता पिता का कोई अता पता नहीं है। तस्वीरों में हमेशा उसे लंबी खोपड़ी वाला दिखाया गया है।
हम जानते हैं कि उस दौर के देवता मिस्र के देवताओं का सिर हमारे मुकाबले काफी बड़ा होता था, और पिरामिड के लेखों के मुताबिक वो कई बार पृथ्वी से चले जाते थे और फिर वापस लौट आते थे। ऐसे में लगता है कि शायद नेफर्टिटी के माता पिता भी परग्रही थे। किंग आकेनाटन और उनकी पत्नी प्राचीन मिस्र के दूसरे सभी राजाओं से बिल्कुल अलग दिखते थे। किंग आकेनाटन को हर जगह काफी बड़ी हुई खोपड़ी, उभरे हुए कूल्हे और कमर से नीचे लटकते हुए पेट वाला दिखाया गया है। वो मानते थे कि वो ना तो एक आदमी है, ना तो वो एक औरत है, और ना ही वो कोई राजा थे, वो कुछ और ही थे। सबसे अनोखी खूबी तो थी लंबी खोपड़ी। इस बात पर काफी चर्चा भी हुई कि उन खोपड़ियों का आखिर मतलब क्या था। क्या वो खोपड़ियां सचमुच उतनी लंबी थी या वो सिर्फ सजावटी फीचर्स थे? वैसी खोपड़ी ना तो उस दौर में पहले मिली और ना ही बाद में, इसलिए उनमें कुछ तो खास था ये कहना ही पड़ेगा। आकेनाटन और नेफर्टिटी के शासनकाल में मिस्र में एक नया और विवादों से भरा एक देवता वाला धर्म शुरू हुआ, जिसमें लोग गोल आकार के सूर्य देवता आक्टन की पूजा करते थे। आक्टन को आसमान में उड़ने वाला सूरज का गोला बताया गया था। इजिप्टोलॉजिस्ट का कहना है कि वो और कुछ नहीं बल्कि सूरज ही था। मगर सवाल यह है कि क्या सूरज आपको अलग अलग क्षेत्र में काम करने के निर्देश दे सकता है? जवाब है नहीं। इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं हमारे पूर्वजों ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तो नहीं देखी थी जिसे उन्होंने कुदरत से जुड़ी एक चीज मान ली। क्या ये नहीं हो सकता कि जिस तरह से आखेनाटिन और नेफर्टिटी को दिखाया गया है और उन्हें एक गोले के आकार के देवता का उपासक बताया गया है, वो इस बात का सबूत हो कि वो इस दुनिया के थे ही नहीं? और अगर ऐसा है तो क्या कोई नेफर्टिटी की कब्र में उनकी परग्रही उत्पत्ति के डीएनए सबूत मिलेंगे? प्राचीन मिस्र के लोग नहीं चाहते थे कि हम कुछ भी जानें नेफर्टिटी या आखेनाटन या टूटनकामन के बारे में। इसी वजह से उन्होंने उनके वजूद से जुड़े तमाम सबूत मिटा दिए। मगर नेफर्टिटी की कब्र में ऐसा क्या था कि उसकी कब्र का मुहाना भी इतना खास बनाया गया? और ये बात उस समय से जुड़ी है जब आखेनाटन और नेफर्टिटी ने एक खगोलीय गोले के उपदेशों के बारे में बताया। कहीं ये तो नहीं हो सकता कि उस दीवार के पार जाने पर हमें एक बड़ा खजाना मिल जाए, और यकीन मानिए वहाँ जाने पर हमें ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे जो बिना किसी शक के परग्रही होंगे? क्या उस कब्र में दूसरे ग्रहों की चीजें और खजाना छिपा है? ये भी तो हो सकता है कि हमें इस बात के पुख्ता सबूत मिल जाएं कि हमारे अतीत में पृथ्वी पर दूसरे ग्रहों के लोग आते थे। शायद इस पहेली की कुछ और कड़ियां हमें एक उड़ने वाले सर्प देवता के मंदिर से मिल जाएं। टियो टियो कान मेक्सिको, 24 अप्रैल 2015। 6 साल तक मैक्सिकन आर्कियोलॉजिस्ट सर्जियो गोमेज प्राचीन शहर के 3 सबसे बड़े पिरामिड क्वेट्ज़कॉटल के पिरामिड की खुदाई करते रहे। ये पिरामिड 2nd century AD का बना है, और गोमेज को उस खुदाई के दौरान कई अवशेष मिले थे, मगर उस दिन उन्हें पिरामिड के नीचे एक चेंबर में एक ऐसी चीज मिली जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, बड़ी मात्रा में लिक्विड मर्क्यूरी। गोमेज बहुत धीरे धीरे एक सुरंग खोद रहे थे, और अब वो करीब 300 फुट की गहराई तक पहुंच चुके थे, मगर उसी दौरान उन्हें लिक्विड मर्क्यूरी मिला। लेकिन सवाल था कि एक कब्र के अंदर लिक्विड मर्क्यूरी क्यों रखा गया था? कोई ऐसे ही बिना किसी वजह के वहां मर्क्यूरी तो रखेगा नहीं, क्योंकि अगर कोई उसके ज्यादा करीब जाता है या उससे छेड़छाड़ करता है तो उसकी जान भी जा सकती है। मर्क्यूरी एक बड़ा ही रेयर और कंडक्टिव तत्व होता है, और आज उसका इस्तेमाल मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है। इसलिए इस खतरनाक तत्व का एक प्राचीन एजटेक पिरामिड के नीचे मिलना वैज्ञानिकों के लिए भी बड़ी चौंका देने वाली बात थी। मगर एंशियंट एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट मानते हैं कि मर्क्यूरी तो इस मंदिर में भी मिला था, क्वेट्ज़कॉटल देवता के मंदिर में, और पंख वाली ये देवता आसमान से नीचे आते थे और उनका जीवों से सीधा रिश्ता था, जिन्हें एजटेक्स अपना देवता मानते थे। लिक्विड मर्क्यूरी सिर्फ टियोटियाकान में ही नहीं मिला था,
प्राचीन भारतीय लेखों के मुताबिक लिक्विड मर्क्यूरी असल में उस प्रोपल्शन सिस्टम का एक हिस्सा था जिससे दूसरे ग्रह के जीव अपनी उड़ने वाली मशीनें चलाते थे। इस बात से जुड़ी कई कहानियां हैं जिनमें नाज़ीज़ ने खुद उन संस्कृत के लेखों को पढ़ा था ताकि वो अपनी फ्लाइंग क्राफ्ट टेक्नोलॉजी विकसित कर सके। हमें लीक हुई जर्मन साइंटिफिक रिपोर्ट से पता लगता है कि अगर हम मर्क्यूरी को एक बहुत हाई लेवल के इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के संपर्क में ले जाएं और उसे घुमाएं तो एक ऐसा ग्रेविटेशनल थ्रस्ट मिलता है जिससे ऐसी इनर्शियल फोर्स पैदा होती है जो सामान्य ग्रेविटी की फोर्स को काउंटर एक्ट कर सकती है। ऐसे में एक उड़ने वाले सर्प देवता के मंदिर में मर्क्यूरी मिलने के बाद मन में सवाल तो उठता है कि वो उड़ने वाला सर्प देवता आखिर थे क्या, और एंशियंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी मानती है कि वो असल में एक तरह के फिजिकल यान थे जिन्हें एक दौर में जीते जागते जीव मान लिया गया था। क्या लिक्विड मर्क्यूरी की इस अनोखी खोज के बाद हमें इस बात के सबूत मिल सकते हैं कि वो उड़ने वाले सर्प देवता असल में एक अंतरिक्ष यान थे? एंशियंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि एक और जहरीले मकबरे से हमें इस सवाल का जवाब मिल सकता है। शांसी प्रोविंस, चीन। यहाँ एक पहाड़ी के नीचे सम्राट क्विन शी हॉन्ग दफन है। करीब 2000 साल तक उनकी कब्र को नहीं छेड़ा गया था, लेकिन जब उसकी खोज हुई तो दुनिया ने उसकी कब्र को उसके अंदर से मिले हजारों टेराकोटा वॉरियर्स की वजह से जाना, मगर अभी भी उस कब्र के बहुत बड़े हिस्से की खुदाई नहीं हो पाई है क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में मर्क्यूरी पड़ा है। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि दुनिया की सबसे शानदार आर्कियोलॉजिकल साइट कौन सी है तो मेरा जवाब बहुत ही आसान होगा, और वो होगा जो है सम्राट चिन की कब्र। सम्राट चिन के समय यानी सेकंड सेंचुरी बीसी के लेखों से पता चलता है कि उन्हें एक ऐसी कब्र में दफन किया गया था जिसके अंदर चीन का स्केल मॉडल बना था और उसमें मर्करी की नदियां बहती थी और वो उन स्केल मॉडल्स में बने शहरों के चारों तरफ बह रही थी। क्या ये सिर्फ एक इत्तफाक है कि चीन की यह कब्र और मेक्सिको के एक मंदिर में लिक्विड मर्क्यूरी मिला है? जिस तरह से एस्टेक कहानियों में यह माना जाता है कि क्वेट्ज़कोटल आसमान से आए थे, उसी तरह से चीन में मान्यता है कि चीन शी होंग के पूर्वज येलो एम्परर भी आसमान से ड्रैगन पर आए थे। कुछ पौराणिक लेखों के मुताबिक येलो एम्परर एक ड्रैगन पर सवार होकर घूम रहे थे, तभी उन्होंने पृथ्वी पर जरूरतमंद लोगों को देखा और वो उनकी मदद करने के लिए आसमान से नीचे उतर आए। चीन के मिथक के मुताबिक करीब 100 साल तक चीन पर राज करने के बाद येलो एम्परर ने वापस जाने के लिए ड्रैगन को बुला लिया। उनके कर्मचारियों में से ही 70 और लोग भी उस ड्रैगन पर सवार हुए और वो उड़ गए। माना जाता है कि ड्रैगन बहुत कम समय में काफी लंबी दूरी तय कर लेता था और इस लिहाज से वो येलो ड्रैगन एक बहुत बड़ा अंतरिक्ष यान लगता है जो बहुत तेज रफ्तार से उड़ता था, और मैं जिन घटनाओं के बारे में बता रहा हूँ वो वाकई उस वक्त हकीकत में हुई थी। लिक्विड मर्करी एक बड़ा ही गाढ़ा तत्व होता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्राचीन एजटेक्स और चीन के लोगों ने अपनी कुछ महान अस्थियों की कब्र में उसकी नदियां कैसे बहा दी। जाहिर है उन्हें उस तत्व की छिपी हुई खूबियां मालूम थी, और क्या ये नहीं हो सकता कि उन्हें वो खूबियां दूसरे ग्रह से आए जीवों ने बताई थी? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उड़ने वाले सांप की एजटेक कहानी और आसमान से पृथ्वी पर आने वाले ड्रैगन के चीन की कहानी में असल में एक परग्रही अंतरिक्ष यान की बात कही गई हो? और क्या यही वजह है कि मेक्सिको और चीन की उन कब्रों में लिक्विड मर्क्यूरी मिला था? एशियन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि यही सच है, और उनका कहना है कि हमारे पूर्वजों ने कुछ और परग्रही टेक्नोलॉजी का सामना किया था जिससे जुड़े सबूत हमें पेरू के पहाड़ों पर जमीन के नीचे दफन मिल सकते हैं। जब माचू पिचू में जमीन के नीचे मौजूद चैम्बर की खुदाई होगी तो क्या हमें इस बात के पुख्ता सबूत मिल जाएंगे कि ये जगह परग्रही टेक्नोलॉजी से बनाई गई थी? एंशियंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि इससे जुड़े दूसरे सबूत हमें हाल ही में मिली नेस्का लाइंस और दुनिया के दूसरे छोर पर मिले उसी तरह के जियोग्लिप्स की
जांच से मिल सकते हैं। माचू पिचू पेरू। इनका सभ्यता के इस पत्थर के बने किले को करीब 1450 एडी में एंडीज पहाड़ों के ऊपर बनवाया गया था, मगर करीब 100 साल बाद इसे अचानक ही बड़े रहस्यमय तरीके से खाली कर दिया गया। मुख्य धारा के विद्वान मानते हैं कि माचू पिचू के किले को सम्राट पाचाक्यूटक ने बनवाया था और हजारों लोगों ने कई दशक तक काम करके इसे बनाया था, मगर एंशियंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि इसका इतना सटीक निर्माण पत्थरों के विशाल खंडों को ढोने की बात और इनका लोगों के लेखों से पता लगता है कि माचू पिचू को बिल्कुल अलग तरह से बनाया गया था और इसे बनाने में दूसरे ग्रह के जीवों ने मदद की थी। सम्राट पाचाक्यूटक के बारे में कहा जाता है कि उनका वीराकोचा देवता से बड़ा गहरा रिश्ता था। पाचाक्यूटक ने चांका से हुई बड़ी जंग के ठीक पहले मैदान छोड़ दिया था। वो एक झील के पास पहुंचे। उसी झील में आसमान से मेटल का एक बड़ा सा टुकड़ा गिरा। जब उन्होंने उसे झील से बाहर निकाला तो देखा कि वो एक आईना है। उन्हें उस आईने में एक छवि दिखी। आईने में नजर आ रहे उस पारलौकिक जीव ने उनसे कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम अपनी जिंदगी में कई जंग जीतोगे जिनमें से एक ये भी है। वो छवि असल में सृष्टि का निर्माण करने वाले देवता वीराकोचा की थी। इसके बाद पाचाक्यूटक अपनी बहुत ही छोटी सी सेना के साथ खड़े हो गए और इन विशाल मेगालिथिक पत्थरों में जान आ गई। ये उनके सिपाही बन गए और चांका का विनाश कर दिया। पाचाक्यूटक के साथ वीराकोचा की भी शक्ति थी, तो ऐसे में मन में सवाल तो उठता है कि कहीं वो एक परग्रही टेक्नोलॉजी तो नहीं थी। क्या बड़े बड़े पत्थरों को हवा में उड़ाने की पाचाक्यूटक की कहानी सच्ची है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आसमान से गिरने वाला वो आईना असल में एक परग्रही टेक्नोलॉजी थी? एंशियंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि यही सच है और उनका कहना है कि माचू पिचू में हुई एक और खोज से पता लग सकता है कि उस पर ग्रही यंत्र का अंजाम क्या हुआ था। फ्रेंच इंजीनियर डेविड क्रेस्पे 2010 में माचू पिचू में छुट्टियां मना रहे थे जब उन्होंने देखा कि एक मुख्य इमारत के तल पर एक दरवाजा बना है जिसे जानबूझकर पत्थरों से बंद कर दिया गया है। अगस्त 2011 में वो थेरी जामान नाम के एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट के पास गए जो पेरु के इनकन साम्राज्य का 15 साल से ज्यादा वक्त से अध्ययन कर रहे थे। महीने भर के अंदर थियरी ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी और अपने साथ लोकल आर्कियोलॉजिस्ट और स्पेशलिस्ट को लेकर वो एक कब्रिस्तान में पहुंच गए। थियरी और रडार टेक्नीशियन रिचार्डो हमाडा ने उस बंद दरवाजे को बाहर से एक ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से स्कैन किया और रडार डिटेक्टर पर एक बड़े से मुहाने की तस्वीर नजर आई। टूटी हुई लाइन्स इस बात का संकेत थी कि वहाँ शायद सीढ़ियाँ भी हैं जो और नीचे तक जाती हैं। दूसरे इक्विपमेंट से पता लगा कि उस छिपे हुए चेंबर में मेटल्स भी हैं, सोना, चांदी और दूसरे मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स। ये इस बात का पुख्ता सबूत थे कि वो एक कब्र है। हालांकि थेरी ने क्रेस्पी के संदेह की पुष्टि कर दी थी, मगर ये बात चौंकाने वाली थी कि उस दरवाजे को इनकाज ने एक वक्त पर बंद कर दिया था और बाद में पेरु के अधिकारियों ने भी आगे की जांच के लिए उनके वहां जाने पर पाबंदी लगा दी। ये सारे आइकोनोग्राफिक और आर्कियोलॉजिकल एलिमेंट्स इस बात की तस्दीक देते हैं कि ये सब पाचाक्यूटक के मॉजोलियम से जुड़ा था और ये शायद माचा पिचू से मिला आज तक का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल खजाना है। क्या पाचाक्यूटक की कब्र उन पत्थरों के पार है? क्या एंशियंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट की ये बात सही हो सकती है कि उस जादुई आईने में शायद एक उन्नत टेक्नोलॉजी भी थी जो आईना सृष्टि की रचना करने वाले देवता वीराकोचा ने पाचाक्यूटक को दिया था? यहाँ हम ये कह रहे हैं कि उस सम्राट का एक परग्रही जीव से संबंध था। अब आप खुद सोचिए, अगर हम उनके कब्र की खुदाई की बात करते हैं तो जाहिर है उसके अंदर से हमें दूसरे आर्टिफैक्ट्स के साथ वो पावर भी मिलेगी जो पाचाक्यूटक के पास थी।
और मुझे तो लगता है कि हमें वहां से इस बात के पुख्ता सबूत मिल सकते हैं कि इंसानों के मामले में दूसरे ग्रह के जीवों का दखल था। जब माचू पिचू में जमीन के नीचे मौजूद चैम्बर की खुदाई होगी तो क्या हमें इस बात के पुख्ता सबूत मिल जाएंगे कि यह जगह परग्रही टेक्नोलॉजी से बनाई गई थी। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट मानते हैं कि इससे जुड़े दूसरे सबूत हमें हाल ही में मिली नाज़का लाइंस और दुनिया के दूसरे छोर पर मिले उसी तरह के जियोग्लिप्स की जांच से मिल सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हाल ही में नाज़का और कजाकिस्तान से मिले जियोग्लिप्स न सिर्फ इंग्लैंड में हुई सुपरहेंज की नई खोज से जुड़े हैं बल्कि वो दुनिया की कई और ऐसी रहस्यमय साइट से भी जुड़े हैं जो सिर्फ आसमान से नजर आती हैं। नाज़का पर्व 1927 में पहली बार नाज़का लाइंस की खोज हुई थी जिसमें सैकड़ों डिजाइन्स हैं और इन्हें जियोग्लिप्स कहते हैं। इन्हें सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है। साउदर्न पेरू में ये करीब 500 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं और मुख्य धारा के आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये आकृतियां प्राचीन नाज़का लोगों ने 1st और 8th century AD के बीच बनाई थी। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट भी कई साल से नाज़का लाइंस का अध्ययन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन विशाल और जटिल डिजाइंस को उन खगोलीय जीवों के लिए सिग्नल के तौर पर बनाया गया था जो आसमान से पृथ्वी पर आते थे और उनके मुताबिक इन नए सबूतों से ये साबित हो चुका है कि परग्रही न सिर्फ नाज़का में आए थे बल्कि कई सदियों तक बार बार आते रहे थे। 7 जुलाई 2015 को जापान की यामागाटा यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजिस्ट की एक टीम ने बताया कि उसे नई नाज़का लाइंस मिली हैं जो कटाव की वजह से हमें आमतौर पर नजर नहीं आती, मगर उस जगह का 3D स्कैन करने के बाद उन्होंने कुल मिलाकर 24 आकृतियां ढूंढ निकाली जिनमें अजीब सी नजर आने वाली ह्यूमेनॉइड आकृतियां भी थी। एक बिना सिर वाला शरीर था और एक 65 फुट लंबा लामा भी। अपनी खोज के आधार पर उन्होंने कहा कि ये जियोग्लिप्स 400 से 200 BC की थी, यानी वो पहले मिली आकृतियों से कई 100 साल पुरानी थी। इन नई खोजों से हमें पता लगता है कि किस वक्त में रेगिस्तान की जमीन पर इस तरह के बदलाव हुए थे और इन बदलाव का दायरा कई 100 साल का था जिनमें कई संस्कृतियां शामिल थीं, अलग अलग मकसद के साथ, आकृतियों के साथ। ऐसा लगता है जैसे सभी संस्कृतियां आसमान में रहने वाले कुछ जीवों को सिग्नल दे रही थीं और शायद वो सभी यही कोशिश कर रही थीं कि वो वापस पृथ्वी पर आएं और यहाँ अपना यान लाएं। ऐसे में मन में यही सवाल उठता है कि अगर लगातार 4 संस्कृतियां ऐसा ही कर रही थीं, तो इसका मतलब है कि उन्हें थोड़ी बहुत कामयाबी तो जरूर मिली होगी। कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट ये भी मानते हैं कि पुरानी नाज़का लाइंस की खोज इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि जिन लोगों ने बाद में वो जियोग्लिप्स बनाए थे वो शायद उनकी नकल कर रहे थे जिन्हें पहले परग्रहियों ने बनाया था। और अब सवाल ये उठता है कि क्या अलग अलग लोग नाज़का आकर ही ये पेट्रोग्लिफ्स और बड़े बड़े डायग्राम्स बनाते थे या वो उस एक्सपेरिमेंट्स या काम की नकल कर रहे थे जो पहले भी हो चुका था। कहीं ऐसा तो नहीं कि नाज़का की शुरुआती सभ्यताओं का संपर्क उन लोगों से था जिन्होंने वो आकृतियां बनाई थी जो सिर्फ आसमान से ही नजर आ सकती थी, और कहीं ये उन्हें वापस बुलाने का तरीका तो नहीं था कि आसमान से उन आकृतियों को देखकर वो वापस आ जाएं। कई दशक तक यही माना जाता रहा कि पृथ्वी पर नाज़का जैसी कोई जगह नहीं है, मगर हाल में ही दुनिया के दूसरे छोर पर एक बड़ी चौंका देने वाली खोज हुई। टरगाय कजाकिस्तान, अक्टूबर 2015। सैटेलाइट फोटोग्राफी की बदौलत नासा ने यहां जमीन पर बने 260 से ज्यादा जियोग्लिप्स की तस्वीरें ली। वो कजाकिस्तान के एक ग्रामीण इलाके में बनी है और उन्हें आधुनिक टेक्नोलॉजी की बदौलत ही ढूंढा जा सका। ये नाज़का जियोग्लिप से कहीं ज्यादा जटिल है क्योंकि ये 3D है। यहाँ टीले और खाइयां हैं, जबकि नाज़का लाइंस सिर्फ और सिर्फ रेत पर बनी है।
हम बात कर रहे हैं उन विशाल आकृतियों की जिन्हें मिट्टी के टीलों और लकड़ी से बनाया गया है और उनमें जमीन पर रिंग्स, स्क्वायर्स, क्रॉसेस और स्वास्तिक भी बने हैं। इस इलाके में काम कर रहे आर्कियोलॉजिस्ट को ये नहीं पता कि ये जियोग्लिप्स किसने बनाए थे और इनका क्या मतलब है, मगर वो इतना जरूर जानते हैं कि इनमें से कुछ जियोग्लिप्स 8000 साल पहले बने थे, यानी ये नेस्का लाइन से करीब 6000 साल पुराने हैं। क्योंकि ये करीब 8000 साल पहले बने थे तो सवाल ये उठता है कि वो किससे संपर्क करना चाहते थे। कहीं वो वही तो नहीं थे जिन्हें वो प्राचीन संस्कृतियां देवता कहती थी। मैं तो यही मानता हूँ कि हमें इस तरह के जो सिंबल्स मिल रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि उस वक्त के इंसान उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें वो आसमान में रहने वाले देवता मानते थे। क्या कजाकिस्तान में मिले ये नियो जियोग्लिप्स इस बात का सबूत है कि हमारे पूर्वजों ने आज से 8000 साल पहले भी दूसरे ग्रहों से आए जीवों को देखा था? एंशियन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं हाँ, और मानते हैं कि ये जियोग्लिप्स शायद इस बात का सबूत हो सकते हैं कि ये भी शायद तभी बनाए गए थे जब हाल में मिला सुपर हिंज बना था, क्योंकि माना जाता है कि स्टोन हिंज करीब 5000 साल पुराना है। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सुपर हिंज के दफन मोनोलिथ्स शायद और भी पहले के हों। स्टोन हिंज तो बस एक छोटा सा हिस्सा भर है एक बहुत बड़ी आर्कियोलॉजिकल पहेली का। आज हमें पत्थर के बने घेरे मिल रहे हैं जो पत्थर की बनी इन लाइंस पर हैं। ऐसे में मन में फौरन एक सवाल उठता है, ये क्या है, उन्होंने इसे कैसे बनाया होगा, उनका मकसद क्या था? और फिर देर सवेर ये सवाल भी उठता है कि कहीं ये परग्रहियों का कोई संदेश तो नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि हाल ही में नेस्का और कजाकिस्तान से मिले जियोग्लिप्स न सिर्फ इंग्लैंड में हुई सुपर हिंज की नई खोज से जुड़े हैं बल्कि वो दुनिया की कई और ऐसी रहस्यमयी साइट से भी जुड़े हैं जो सिर्फ आसमान से नजर आती हैं। अगर ऐसा है तो क्या ये इस बात के सबूत हो सकते हैं कि जमीन के नीचे छिपे ये निशान आसमान से नजर आने वाले परग्रहियों के लिए मैक्सिको, पेरू, चीन और मिस्र में बनाए गए थे? एंशियंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि यही बात है और कहते हैं कि अब जल्दी ही हमें इस बात के सबूत मिल जाएंगे कि हम परग्रहियों के संपर्क में थे। मैं तो यही मानता हूँ कि वो परग्रही एक खास मकसद छोड़ के गए थे और कोई मुझसे पूछे तो मैं उनसे कहूँगा एक टाइम कैप्सूल। इसी वजह से उन्होंने पत्थर के वो विशाल घेरे और लाइंस बनाई थी, वो हमारे लिए थे। एंशियंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का कहना है कि हाल ही के दिनों में मुख्य धारा के विद्वानों ने इस बात को नकार दिया है कि हमारे अतीत में उन्नत जीवों की किसी और नस्ल के जीव पृथ्वी पर आते थे जबकि उनसे जुड़े संकेत हर जगह मौजूद हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक विशाल तारे के इर्द गिर्द मौजूद कुछ रहस्यमय जीवों से एक विशाल एलियन मेगा स्ट्रक्चर का पता लग सकता है। पृथ्वी से 1500 लाइट ईयर्स दूर मौजूद तारे KIC 84-62852 से लगातार सिग्नल्स निकल रहे हैं। शायद वहाँ किसी एलियन सिविलाइजेशन ने विशाल सोलर पैनल्स बनाए हों। हजारों किलोमीटर दूर साउथ अफ्रीका की एक गुफा में आर्कियोलॉजिस्ट को सैकड़ों हड्डियां और इंसान का एक नया पूर्वज मिला है। अब लगातार नए सबूत मिल रहे हैं तो क्या एंशियंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी अब उस मकाम पर पहुँच रही है जहाँ मुख्य धारा के विद्वान भी उसे एक बड़ी संभावना मान लें? गैलीलियो जैसे महान विचारक को भी बेवकूफ और काफिर कहा गया था। उनकी बात बिल्कुल सही थी पर नई बातों को लोग इतनी आसानी से नहीं मानते। सदियों तक हम यही मानते रहे कि पृथ्वी सपाट है, हम बड़े ही जिद्दी लोग हैं। मानव सभ्यता के रूप में विकसित होते हुए हमें पता लगने लगा है कि हमें अब तक जो बताया गया है वो शायद भविष्य में गलत साबित हो जाए। हम अपनी पुरानी सभ्यताओं के बारे में नई नई बातें जानते रहेंगे और साथ ही आने वाली सभ्यताओं के बारे में भी। उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। पृथ्वी पर दूसरे ग्रह के जीव आते थे और आते रहेंगे।
हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी और आज जो डेवलप हो रही है उसके मद्देनजर आर्कियोलॉजी को भी आखिरकार अब ये मान ही लेना चाहिए कि अतीत में पृथ्वी पर परग्रही आते रहे हैं। मैं तो यही मानता हूं कि वो परग्रही एक खास मकसद छोड़कर गए थे, और कोई मुझसे पूछे तो मैं उनसे कहूंगा एक टाइम कैप्सूल। इसी वजह से उन्होंने पत्थर के वो विशाल घेरे और लाइंस बनाई थी, वो हमारे लिए थे। अब सवाल उठता है कि वो परग्रही कौन थे, वो कहां से आए थे, उनके आने की वजह क्या थी, क्या वो फिर से आएंगे? मुझे पूरा यकीन है कि वो वापस आएंगे। अब हमारे सामने एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमें नए सबूत मिल रहे हैं और उस पुरानी बात को बल दे रहे हैं कि पृथ्वी पर परग्रही आते थे और इंसान के मामलों में उनका अच्छा खासा दखल था, और हमारा भविष्य भी जीवों से जुड़ने पर ही निर्भर है। अब टेक्नोलॉजी बेहतर होती जा रही है तो क्या हमें इस बात के पुख्ता सबूत मिलेंगे कि पृथ्वी पर दूसरे ग्रह के जीवों का दखल था? वो सबूत सामने आएंगे जिन्हें दुनिया भर की सरकारें कई दशकों से छिपा रही हैं? क्या उससे जुड़ा असली सबूत हमें किसी कब्र की दीवार के पीछे, किसी प्राचीन मंदिर के अंदर या हमारे पैरों के नीचे दफन मिलेगा? अगर दूसरे ग्रह के जीव वाकई हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं, तो हो सकता है कि हम जब उस सच के करीब पहुँचें तो वो सबूत हमें किसी कलाकृति या वैज्ञानिक खोज के रूप में न मिले, बल्कि हमारा अपने परग्रही पूर्वजों से आमना सामना हो जाए।